का इतनी ट्रेजेडी तो मेरे साथ नहीं हुई, इनके तो बहुत ही बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इन्होंने तो मेरे साथ। तो मैंने 2022 में कॉलेज करी और तब से मेरे पापा BDO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनको काफ़ी वो काफ़ी देखते रहते हैं IAS IPS इनको। तो उन्होंने कहा कि भाई तू भी कुछ कर ऐसा, क्योंकि मेरे पास अभी थर्ड ईयर था, तब डिसाइड करना था कि कौन सी जॉब लेनी है तुम्हें। तो BTech में कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो उनमें देखा कि तो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि वो मतलब सिविल इंजीनियर को मतलब कम पैकेज आते हैं, तो कंप्यूटर साइंस का ही बोलबाला रहता है IITs में। तो अब देखिए तो कहाँ जाएँ फिर। तो मेरे एक सीनियर थे तो जो ऑलरेडी सर्विस में है अभी, उनकी 2018 में वो IAS बने, तो उनसे पूछा मैंने कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि IAS जॉब तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया जॉब है, इसके स्टेट्स देखो पहले एक बारी YouTube पे जाके, जब जब गाड़ियाँ निकलती हैं उसके पीछे पीछे। तो ये देख के मेरे को लगा यार इतना पावरफुल जॉब ही है। फिर उन्होंने बताया पावर तो है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो उसके लिए मेहनत भी बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। उनका सब्जेक्ट जियोलॉजी था तो मैंने भी जियोलॉजी ले लिया, सिविल इंजीनियरिंग में आता है जियोलॉजी, तो मैंने कहा कि भाई यही लेते हैं, छोटा सब्जेक्ट है वो, उसमें स्कोर करना भी आसान रहता है और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं उसमें, बच्चे लेते नहीं उसको, बहुत कम बच्चे लेते हैं उसको। तो पहले तो ये पहले पूरी प्लानिंग करनी रहती है कि आपको कैसे कैसे करना रहेगा, तो मैंने उनसे ये गाइडेंस ली। इसमें IIT का बहुत बड़ा रोल है मेरी अब इस जर्नी के अंदर, मुझको पता सारा वहीं से ही चला है, और एक मेरे फादर का रोल बहुत बड़ा है। दूसरा रही बात फैमिली की, तो मोहनदान जी ने जैसे कहा कि उनका तो पूरा बर्डन वर्डन था इतना, तो अगर मेरे साथ होता तो कुछ और ही सीन होता, मैं यहाँ नहीं हो पाता शायद। मेरे फादर और मेरे मदर ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, आइसोलेटेड करके रखा कि बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े, उसको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो मेरे मम्मी पापा का तो मैं अब तो कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जो मुझे यहाँ तक खड़ा कर दिया उन्होंने। और रही बात मेरी स्ट्रैटेजी की, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी। GS के लोग पढ़ते थे, मैं भी रिवाइज बहुत करता था, मेरे पास मटेरियल बहुत छोटा था, मैंने लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ी, मैंने बहुत मोटी बुक लगती थी, मोटी बुक से डर लगता था मेरे को, मैंने कहा कुछ छोटा करो कहीं से देखो। तो YouTube पे मतलब टेलीग्राम पे मिल जाता है आजकल सभी, तो टेलीग्राम का मैंने बहुत सही यूज़ करा था, और ऑनलाइन ऑनलाइन जो मीडियम है, ऑनलाइन मोड हो गए थे जो कोचिंग के, उसका भी बहुत सही यूज़ किया था मैंने, तो ये दो जो मोड हैं इनका सही इस्तेमाल करा था। रिवीजन मैं रोज़ करता था। रही बात टाइम की, तो इतना मतलब 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो मैं क्या करता था कि मेरी कभी सिटिंग इतनी हो नहीं पाती थी, कभी 8 घंटे तक कभी नहीं हो पाती थी, बहुत मुश्किल होता था मेरे को। तो उसमें भी एक ऐप है प्लांट ट्री करके, उसमें आप टाइम लगाओ 30 मिनट का, और 30 मिनट बाद आपका पेड़ उग जाएगा एक, उसमें दिखाया कि आपने पेड़ आपको जंगल बनाना है पूरा, ठीक है। तो यही मैं करता था कि 30 मिनट के हमेशा लैप लगाता था, और इतने में इतना इतना पढ़ता था। धीरे धीरे वो 30 मिनट 45 मिनट हुए, 45 से वो 1 घंटा हुआ, और जब 1 घंटा हो गया तो फिर लगा कि ठीक है अब उस ऐप को बंद करो, अब अपन पढ़ सकते हैं इतना। तो फिर पढ़ता रहा धीरे धीरे निरंतर, और टेस्ट सीरीज जो ले ली थी। बाकी स्ट्रगल और ये इसमें फिजिकल तो इतना कुछ नहीं होता, पर मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, टेंशन बहुत होती है, क्योंकि प्रिलिम्स जब नहीं होता तो हम मतलब एकदम ड्रॉप पे आ जाते हैं, उस समय पे अपन को ऊपर आना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जैसे जो प्रीवियस IAS ऑफिसर्स हैं उनकी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनका काफ़ी, संदीप माहेश्वरी को तो मैं सुनता था, पर वो काफ़ी बढ़िया बताते वो, मतलब अगर आप सुनेंगे उन्हें तो अच्छा, वो मतलब थोड़ा मोटिवेट कर देते थे। और मैं क्या करता था कि अब मेरे लैपटॉप में ही ऐसे IAS करके लिखा रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं जब भी देखता था तो भाई पहले वही दिखता था। दो चीज़ें होती, एक तो आपके अंदर मोटिवेशन बहुत तगड़ा होता है, ये मतलब सेंटर ऑफ मास की तरह है, अगर अगर साइंस मतलब साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो समझ पाएंगे मेरे को, सेंटर ऑफ मास बाहर होता है तो बॉडी अनस्टेबल होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होती। सेंटर ऑफ मास जब आपके बॉडी के अंदर होता है तो आप स्टेबल रहते, खड़े रह पाएंगे। तो यही है कि मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप करें आप,
ठीक है, उसके लिए एक कॉज होना चाहिए, जैसे सर ने कहा था ना वाई, तो वो कॉज होना चाहिए। मेरे लिए एक डर भी था, फियर, क्योंकि फियर एक मदद भी करता है आपको। अगर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो आप खुद प्रयास करते हैं कि कैसे मैं एक नया रास्ता निकाल लूँ उससे, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था, जो ये डर जो था मेरे अंदर, तो इसको मैंने यूज़ करा। चैनलाइज करो, फियर इज़ एनर्जी, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको किस रास्ते से बाहर निकालना है उस एनर्जी को। और एक मेरे साथ इंसिडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ था। मैं मेंस दे रहा था और मेरा जियोलॉजी का पेपर था ऑप्शनल का। तो जिस दिन ऑप्शनल का पेपर था, उससे एक दिन पहले मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी। ये सच्ची है मतलब, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, और ये उस समय मेरे फादर मेरे साथ खड़े थे, उस समय भी मेरे साथ। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे माता पिता का तो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। टीचर्स का भी उतना ही बड़ा रोल है। मेरे दोस्त भी, एक दो दोस्त, ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, तो वो दोस्तों ने भी मेरा काफ़ी मदद किया। अच्छे दोस्त ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो आपके मतलब, और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपसे मतलब ऐसा ना करे कि आपका ही नुकसान कर दे। मुँह पे अच्छे होते हैं कुछ कुछ, और पीछे से कुछ अलग ही हो रहा होता है। तो वैसा ना हो, अच्छे बढ़िया दोस्त बनाए जिनके साथ कोई भी बात आप शेयर कर सके। तो थैंक यू वंस अगेन, संकल्प टीम, थैंक यू।